हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस क्लास सेवेंथ का इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक। ठीक है, तो हम इंग्लिश देखते हैं। क्लास सेवेंथ की इंग्लिश थर्ड है आपकी ट्रांसलेशन वाली, उसका चैप्टर वन, उसका नेम है, चैप्टर का नेम है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आपका बबल्स एंड कॉन्सोनेंट। टॉपिक आपका वन है बबल्स, यानी स्वर, एंड कॉन्सोनेंट, एंड कॉन्सोनेंट व्यंजन। ओके, तो हमारा टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में बबल्स एंड कॉन्सोनेंट, तो स्वर एंड व्यंजन। तो हमारा जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? तो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो ए हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके, तो हमारे ये जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें 26 लेटर हैं, तो ए से जेड तक हमारे 26 लेटर होते हैं। इस तरह से अब हम क्या देखेंगे कि इसमें बबल्स और कंसोनेंट दो होते हैं, आपका पार्ट डिवाइड होते हैं उसके। तो कितने बबल्स और कितने कंसोनेंट होते हैं तो वो देखते हैं। तो हमारा पॉइंट टू है, उसमें देखते हैं ए ई आई O U, A E I O U, ये जो हैं ये क्या है? ये पांच जो लेटर हैं इन फाइव लेटर्स को बबल्स कहा जाता है। ओके, यानी ए ई आई ओ यू इन फाइव लेटर्स को बबल बोलते हैं, और जो 21 लेटर होते हैं उनको कंसोनेंट बोला जाता है। इसके अलावा जो 21 कॉन्सोनेंट कहा जाता है
हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में 26 होती हैं जिसमें 5 वोवेल्स होते हैं और जो 21 होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ओके, अब आता है आपका, और हाँ इंग्लिश अल्फाबेट आपकी कैपिटल एंड स्मॉल, कैपिटल होती है स्मॉल होती है, ठीक है। तो हमने ये जो हमारे ए से जेड तक जो वर्ड हैं वो कैसे हैं, वो हमारे कैपिटल हैं, कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं। इसके अलावा ए बी सी डी हमारी जो होती है वो स्मॉल में भी होती है। ओके, इसके बाद हम आते हैं पंक्चुएशन, प्रोनाउंसिएशन पर, इसके उच्चारण पर। ओके, अब आते हैं हम प्रोनाउंसिएशन पर। प्रोनाउंसिएशन पर ठीक है, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण पर। पंजाबी, संस्कृत, उर्दू आदि भाषाओं में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का उच्चारण यानी प्रोनंसिएशन सदा एक ही होता है। इन शब्दों में इन भाषाओं का प्रत्येक अक्षर सदा एक ही ध्वनि यानी साउंड देता है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में सदा एक जैसी ध्वनि नहीं आती, लेकिन जो अंग्रेजी भाषा होती है उसमें सदा एक जैसी भाषा नहीं आती, ठीक है। तो ये प्रोनंसिएशन है अपना, जैसे अंग्रेजी भाषा में क्या है, अंग्रेजी भाषा में मैं एक अक्षर एक से अधिक ध्वनियां देता है, मैं एक अक्षर एक से अधिक ध्वनि देता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बी ए बैट, इसको क्या बोलेंगे, बैट। ओके, बी ए की बैट, इसको बैट बोलेंगे। अब देखेंगे बी ए डबल एल बॉल, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बॉल। ओके, जैसे बी आई डबल एल ए जी ई, इसको क्या बोलेंगे, ब्रिज, बी ब्रिज। और एक देख लेते हैं, जैसे एम ए आर वाई मैरी, इसमें मैरी, तो इन शब्दों में ए का उच्चारण क्रमशः, इन शब्दों में ए का उच्चारण क्रमशः ए ओ रा तथा
है, ठीक है। तो हमें क्या है कि हिंदी में जितनी भी होती है उनका सेम उच्चारण क्या होता है कि उनका उच्चारण सेम होता है, लेकिन इंग्लिश जो भाषा होती है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें एक अक्षर एक से अधिक ध्वनि देता है। एक अक्षर जो भी है, जैसे हमने ए को लिया था यहाँ पे, तो एक जो एक अक्षर होता है, एक लेटर होता है, वो कैसा होता है, उसकी अलग अलग ध्वनियाँ निकलती हैं, अलग अलग उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। ओके, तो ये हमारा क्लियर हो गया। इस तरह से दूसरा भी देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल। एक ध्वनि साउंड के लिए एक से अधिक अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। साउंड के लिए एक से अधिक अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल, मीट, जैसे मीट, मीट, क्या है इसमें कि जो शब्द हैं, देखिए इन शब्दों में क्या है, इन शब्दों में उच्चारण क्रमशः ई ए डबल ई ओ ई और आई ई, आई ई अक्षरों द्वारा व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि देखिए यहाँ पे ई बड़ी ई का उच्चारण अलग अलग टाइप से हुआ है, अलग अलग अक्षरों द्वारा व्यक्त किया गया है। ओके, तो ये हमारा प्रोनाउंसिएशन था, वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। Subject and
ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं हम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट यानी करता और करना। सब्जेक्ट कर्ता ऑब्जेक्ट कर्म, तो क्या है अंग्रेजी में क्रिया वर्ब, अंग्रेजी में वर्ब से पहले आने वाले व्यक्ति स्थान या वस्तु को कर्ता कहा जाता है। ठीक है, तो क्या है कि इंग्लिश में वर्ब्स, इंग्लिश में वर्ब से पहले आने वाले व्यक्ति स्थान वस्तु को सब्जेक्ट कहा जाता है, सब्जेक्ट कहा जाता है। क्योंकि इंग्लिश में जो वर्ब से पहले आए व्यक्ति स्थान और वस्तु को सब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, और जो सब्जेक्ट होता है वो कार्य करने वाला भी हो सकता है और कार्य होने वाला भी हो सकता है, और जो सब्जेक्ट कार्य करने वाला भी हो सकता है। ओके, तो जो सब्जेक्ट है वो कार्य करने वाला ड्यूरर भी हो सकता है तथा कार्य को भोगने वाला सफरर भी हो सकता है। कर्ता कार्य करने वाला भी हो सकता है और कार्य को भोगने वाला भी हो सकता है। ओके, अब हम आते हैं जैसे एग्जांपल एग्जाम्पल सुमन प्लेज फुटबॉल। इसमें क्या है कि जो सुमन है वो प्ले फुटबॉल को सुमन खेल रही है, यानी इसमें कार्य करने वाला क्या है, सब्जेक्ट कार्य करने वाला है। इसमें सुमन जो भी फुटबॉल खेल रही है, जो कार्य कर रही है, जो कर्म कर रही है, वो कौन कर रही है, वो एक सब्जेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कार्य करने वाला है, समझ रहे हो। ठीक है, प्लेज का सब्जेक्ट कौन है, यानी वर्ब का, वर्ब से आने वाला जो वर्ब से आने वाली जो भी वस्तु व्यक्ति स्थान जो भी है वो क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ प्लेज से पहले आने वाला सब्जेक्ट है सुमन, और क्या है कि यही कार्य को करने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सुमन कार्य को करने वाला है। ओके, अब आते हैं हम इसमें क्या है, ये हमारा था
वो कार्य को करने वाला था। इस तरह से जैसे एग्जाम में दूसरा लिख लेते हैं इसी का कि फुटबॉल फुटबॉल इज प्लेड बाय सुमन। इसमें क्या है, फुटबॉल कार्य को भोगने वाला है। इस वाक्य में इज प्लेड क्रिया का सब्जेक्ट है। इज प्लेड से पहले यानी बाय से पहले आने वाला क्या है, सब्जेक्ट है। तो फुटबॉल इज प्लेड बाय सुमन। तो इसमें क्या है कि फुटबॉल जो है वो कार्य को भोगने वाला है, तो हम सब्जेक्ट को क्या, कार्य को भोगने वाला भी होता है। तो इस वाक्य में इज प्लेड क्रिया का सब्जेक्ट है। इज प्लेड क्रिया का सब्जेक्ट है यानी फुटबॉल आपका यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ओके, तो सब्जेक्ट कार्य करने वाला भी हो सकता है और कार्य को भोगने वाला भी हो सकता है। अब आते हैं हम ऑब्जेक्ट पर। व्यक्ति वस्तु को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो क्या है, ऑब्जेक्ट अंग्रेजी में क्रिया के बाद में आने वाले व्यक्ति या वस्तु को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में क्रिया के बाद, क्रिया मतलब वर्ब के बाद, वर्ब के बाद आने वाले व्यक्ति स्थान वस्तु जो ऑब्जेक्ट है वो कार्य को करने वाला भी हो सकता है और कार्य को भोगने वाला भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट कार्य को करने वाला भी हो सकता है और कार्य करने वाला भी सब्जेक्ट हो सकता है और कार्य को भोगने वाला भी सब्जेक्ट होता है। उसी तरह से जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कार्य करने वाला भी हो सकता है और कार्य को भोगने वाला भी हो सकता है। ओके, तो देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। रवि हेल्प ज्योति, जैसे रवि हेल्प ज्योति। क्या है इसमें, इस बात में ज्योति है
ज्योति कार्य को ग्रहण कर कार्य को ग्रहण करने वाली या भोगने वाली है और क्रिया यानी जो वर्ब है हेल्प और क्रिया वो हेल्प का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हेल्प का ऑब्जेक्ट कौन है? ज्योति। ठीक है, तो जो वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट है, जो वर्ब के आने वाली जो क्रिया, जो वर्ब के आने वाली व्यक्ति स्थान वस्तु है, वो प्राय क्या है? ऑब्जेक्ट होती है। तो हमारी हेल्थ के बाद क्या आया, हमारी वर्ब के बाद क्या आया? ऑब्जेक्ट ही आएगा ना। जो हमारी जो वर्ब के बाद आने वाली जो भी व्यक्ति वस्तु स्थान हो वो ऑब्जेक्ट में आता है। ठीक है, तो ये हमारा हेल्थ के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट क्या है? ज्योति है। अब देख लेते हैं नंबर टू, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे ज्योति वाच हेल्प वाइफ रवि। तो ज्योति वाच हेल्प वाइफ रवि, तो इसमें क्या है कि इस वाक्य में जो रवि है वो कार्य करने वाला है और जो और क्रिया बाज हेल्प का ऑब्जेक्ट है। तो क्या है इसमें? जो कार्य करने वाला है वो रवि है, इस वाक्य में जो कार्य करने वाला है वो रवि है और क्रिया जो क्रिया है बाज हेल्प का ऑब्जेक्ट है। क्योंकि बाज हेल्प हमने अभी पता है ना हमें कि जो हमारा वर्ग के बाद आने वाला जो भी व्यक्ति स्थान वस्तु है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो बाज हेल्प के बाद रवि आया है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो रवि क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? रवि के द्वारा। करने वाला क्या है? कर्ता कौन है? रवि है। और वो क्या है कि वो वर्ब के बाद करने वाला है, तो इसलिए हम उसको ऑब्जेक्ट में रखेंगे। इस तरह से हमारा जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट था वो हमने क्लियर कर दिया। सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट था हमारा वो क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम ले लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या ले लेते हैं अब? हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आते हैं। ओके, इतना हमारा वैसे क्लियर हो गया कि सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था हमारा चैप्टर। उसमें हमने क्या देखा? वोवेल्स और कंसोनेंट देखा। हमें पता है कि हमारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं वो 26 होते हैं, जिसमें 5 हमारे वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वोवेल्स में आते हैं। इसके अलावा जो हमारा 21 जो अल्फ़ाबेट बचे रहते हैं वो कंसोनेंट में आते हैं। ओके, तो और हमारा इंग्लिश जो होता है वो 2 टाइप्स लिखा जाता है, यानी कैपिटल वर्ड भी होते हैं उसके और स्मॉल वर्ड भी होते हैं। ठीक है, ए से जेड तक आप कैपिटल वर्ड होते हैं और ए से जेड तक आपके स्मॉल वर्ड होते हैं। ओके, और प्रत्येक वाक्य या प्रत्येक नाम या उससे बनाया जाने वाला विशेषण बड़े अक्षर से प्रारंभ होता है। ये इंग्लिश का नियम है, रूल होता है कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं किसी का नाम हो या कोई बनाया जाने वाला विशेषण हो तो, और या फिर प्रत्येक वाक्य जो स्टार्ट करते हैं वो सब कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट किए जाते हैं। ठीक है, सब जो हमारा स्टार्टिंग वर्ब होता है इंग्लिश का वो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हमने दूसरा टॉपिक देखा था प्रोनंसिएशन, हमारा उच्चारण। तो हमने क्या देखा कि हिंदी, जैसे हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू आदि जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें जो वर्णमाला के जो प्रत्येक अक्षर का उच्चारण होता है वो एक जैसा ही होता है। दूसरे शब्दों में इन भाषा का प्रत्येक अक्षर सदा एक ही ध्वनि देता है। क्या है? हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, ये क्या है? इन भाषाओं का प्रत्येक अक्षर सदा एक ही ध्वनि देता है, सदा क्या करता है? एक ही ध्वनि देता है। लेकिन जो अंग्रेजी भाषा होती है, जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है, वो सदा एक जैसी ध्वनि नहीं आती। उसमें क्या होता है? एक जैसी ध्वनि नहीं आती है, उसमें अलग अलग, यानी हमने देखा भी था कि अंग्रेजी भाषा में एक से
एक अक्षर एक से अधिक ध्वनियां देता है, क्या करता है, एक अक्षर एक से अधिक ध्वनि निकालता है। अक्षर तो एक ही है लेकिन उसके जो प्रोनंसिएशन है वो अलग अलग होते हैं। तो हमने देखा था जैसे बी ए टी बैट, बी ए डबल एल बॉल, ए का उच्चारण देखा था हमने इसमें कि बी ए टी बैट और बी ए डबल एल बॉल, बी ए टी एच बाथ, बी ए टी एच ई बेद, बिलेज, बी ए वी आई डबल एल ए जी ई, अलग अलग हमने प्रोनंसिएशन देखा ए का। तो जो हमारा बैट था उसमें हमने क्या देखा, ए को ए बना दिया, ए को ए था, और जो बी ए डबल एल बॉल था वो बॉल ओ ओ बन गया, क्या बना, ए का ओ हो गया। इस तरह से जो बात था हमारा बी ए टी एच, तो बात था वो उसमें ए क्या हो गया, बड़ा आ आ बात आ, ठीक है। और देखेंगे बैट बेद, बी ए टी एच ई, उसमें ए का क्या हो गया, ए हो गया ए। विलेज वी आई डबल एल ए जी ई, विलेज में क्या हो गया, अड़ा, विलेज, ठीक है, अड़ा अड़ा में आ गया वो। तो इस तरह से क्या है कि हमारा जो इंग्लिश है वो एक बार एक लेटर होने के बाद उसमें ध्वनियाँ जो प्रोनंसिएशन होता है अलग अलग, उसकी बहुत सारी ध्वनियाँ निकलती हैं। अब देखते हैं एक ध्वनि साउंड के लिए एक से अधिक अक्षर का प्रयोग किया जाता है। क्या है कि जो एक ध्वनि या साउंड के लिए एक से अधिक अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जैसे एम ई ए टी मीट, तो एम ई ए मीट निकला इसका, और एम डबल ई टी मीट, और पी एच ओ ई एन आई एक्स फिनिक्स, वी ई एल आई ई वी ई बिलीव। तो कैसे इसका हमने क्या किया कि जो हमारी बड़ी ई का उच्चारण था वो क्रमशः ई ए डबल ई ओ ई इन सब से लेकिन अक्षरों द्वारा हमने व्यक्त किया, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही रहेगा कि हमने क्या वोवेल्स कंसोनेंट देखा, प्रोनंसिएशन देखा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखा, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इतना हमारा इनफ है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चलेंगे, अभी हमारा चैप्टर बड़ा है, ठीक है, कंप्लीट करवाते हैं, ओके।